अब इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशांत पारिक हैं, हमारे साथ अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं, मुदित गौड़ भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले सुशांत पारिक का इस बात को समझना कि राजस्थान के लिहाज से लोग भी ये जानना चाहते थे कि भाई राजस्थान को क्या मिलने जा रहा है। तो जो मिलना है वो तय हो चुका है, आप चाहे आप पर्यटन से देख करके आप कृषि राज्य मंत्री के तौर पर भगीरथ चौधरी को अगर देख लें तो क्या इसमें खास नजर आता है? देखिए शुभेंदु, राजस्थान को उम्मीद से ज्यादा मिला है। जिस तरह का इस बार पार्टी का परफॉर्मेंस राजस्थान में रहा था, भाजपा के नेताओं को उम्मीद नहीं थी और जो मंत्री बने हैं उनको भी उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान से चार मंत्री, तो आप जो नाम हम दिखा रहे हैं और पांचवा नाम भी आप जोड़ लीजिए अश्विनी वैष्णव, भले ही वो उड़ीसा से राज्यसभा में गए हों लेकिन मूल रूप से वो राजस्थान के रहने वाले हैं और चुनाव से पहले हमने देखा कि कैसे राजस्थान में वो सक्रिय हुए थे। तो ये पांच मंत्रियों का कोटा, जब आपके 14 सांसद जीत कर आते हैं, परफॉर्मेंस कमजोर होती है, उसके बावजूद देना ये बता रहा है कि मोदी को, अमित शाह को राजस्थान की भाजपा सरकार पर, यहाँ के मंत्रियों पर बहुत भरोसा है। उन्होंने न केवल जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधा है बल्कि एक तरीके से जो झटका लगा है उस हिसाब से ये मंत्रिमंडल में जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनके जरिए साधने की कोशिश भी की है। चाहे आप चाहे गजेंद्र सिंह की बात करें, डिपार्टमेंट जरूर बदला गया है लेकिन अपार संभावनाओं वाला डिपार्टमेंट उनका है और टास्क मास्टर के तौर पर वो जाने जाते हैं। जल शक्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। राजस्थान में खास तौर पर मोदी सरकार का फोकस इस बार टूरिज्म पर रहेगा। सुशांत पारिक, हम तुलना कर रहे थे कि पिछली बार जो उनके पास पोर्टफोलियो था उसके बाद जो अभी का जो अनाउंस किया गया, तो दोनों में अंतर, कुछ लोगों का ये मानना था कि शायद पहले वाला मंत्रालय थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल था, अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से तो अच्छा ही है, पर्यटन विभाग है, मंत्रालय है, तो क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए ये एक तरीके की गॉसिप का हिस्सा हो सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय पावरफुल डिपार्टमेंट था, बड़ा प्रोजेक्ट था, नरेंद्र मोदी का एक तरीके से जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका एक बड़ा हिस्सा था, नियमित तौर पर से उसकी मॉनिटरिंग पीएमओ के स्तर पर होती थी लेकिन उसमें काफी काम हो चुका है और उससे आगे बढ़ने की बात है। और राजस्थान में अक्सर जो है भाजपा के नेता भी ये कहते हुए सुने जाते हैं और दिल्ली के स्तर पर भी माना जाता है कि टूरिज्म के लिहाज से अपार संभावनाएं हैं, जितना काम होना चाहिए उतना राजस्थान में नहीं हुआ। दुनिया का हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है, चाहे जोधपुर हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, तो नई संभावनाएं राजस्थान में तो है ही। देश भर में किस तरीके से टूरिज्म पर काम किया जा सकता है, हमने पीएम मोदी को खुद देखा है, वो जहां भी जाते हैं वो अक्सर टूरिज्म की बात करते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों की बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, वो चाहते हैं कि स्थानीय जो टूरिज्म है तो उसको बढ़ावा मिले। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए नई भूमिका एक चैलेंज के तौर पर है और अगर उनको वो टास्क दिया गया तो आप ये मानिए कि बहुत सोच समझकर और वेल प्लान्ड तरीके से दिया गया है। साथ में आप देखिए भूपेंद्र यादव जो है ओबीसी से आते हैं, उनको भी जिस तरह का डिपार्टमेंट दिया गया है, बड़ा काम देखने के लिहाज से उस तरह का नहीं हो लेकिन मोदी अक्सर जो है पर्यावरण को लेकर बात करते रहते हैं और हम आकलन करते हैं कि डिपार्टमेंट में पावर कितनी है, उसमें ताकत कितनी है, और फ्यूचर पॉलिसीज को लेकर के अगर फोकस देखा जाए, संभावनाएं बहुत ज्यादा है और वैश्विक संभावनाओं वाला भूपेंद्र यादव के पास डिपार्टमेंट है। कृषि राज्य कल्याण की जो बात हम कर रहे हैं, भागीरथ चौधरी किसान वर्ग से आते हैं, किसान के दर्द को, तकलीफ को बहुत बखूबी समझते हैं और इसी तरीके से जो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, दलित चेहरे के तौर पर राजस्थान से, और लगभग माना जा रहा था कि उनका नाम होगा, उनको फिर से रिपीट किया गया है, उनकी ताकत, उनकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से, तो कहीं भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन ये सही है कि चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या हम पत्रकार बिरादरी के तौर पर, इस तरह के पोर्टफोलियो के बाद ये चर्चा करते हैं कि पावर कम हो गई है या फिर डिपार्टमेंट बदला है, तो हो सकता है कि जो एक नंबर बढ़ने और कम होने की जो बात कही जाती है उसमें फर्क आया। ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ, अरुण हर्ष भी हमारे साथ हैं। अरुण हर्ष, इस वक्त बड़ा जश्न होगा, ये नाम जब कैबिनेट के अंदर शामिल हुआ था तो उसी वक्त जश्न वहाँ पर मनना शुरू हो गया था और लोगों की ये मांग थी कि भाई एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो मिले, तो पोर्टफोलियो भी अब अनाउंस हो चुका है, लोगों की उम्मीदें क्या हैं? क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं और पहले भी लोग ये चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ से सांसद जो चुनकर के गए हैं वो कैबिनेट के अंदर मंत्री भी हैं, तो मंत्रालय जब उनको अनाउंस किया गया तो उसके बाद अब लोगों की उम्मीदें क्या?
देखिए शुभेंदु, मैं बता दूं, सुबह जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों ने कहा था कि भले कोई भी मंत्रालय मिले लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत लकी साबित होंगे। हालांकि पूरे देश के वो मंत्री बने हैं, पर्यटन मंत्री, और पर्यटन का अगर बूम देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर सबसे ज्यादा पर्यटक आता है और राजस्थान में उदयपुर जयपुर जिस तरह से पर्यटक आते हैं, करोड़ों में लोग आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पर्यटन को एक दूसरे शहरों में जाके लोग एक दूसरे राज्य की है जो जो कला है उसको पहचानने का प्रयास किए। लेकिन मैं बात सीधी लोगों से करूंगा, लोग कितने घुसे आप देखिए, रात के 9:15 बजने को है लेकिन महिलाएं से लेकर तमाम लोग आगे शेखावत को मंत्री बनाया, पर्यटन और कला मंत्री, क्या कहेंगे आप? जी, जोधपुर, जैसे भी आपको पता ही है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत जोधपुर से हैं और राजस्थान के लिए और जोधपुर के लिए बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि जोधपुर के लोग लाडले और लोकप्रिय जो सांसद है उनको पर्यटन मंत्री बनाया गया है। और आगे देखिए, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, जो नए लड़के हैं जो पढ़ाई के लिए, उनको पर्यटन के क्षेत्र में काफी रोजगार के अवसर मिलेंगे, होटल प्रबंधन के क्षेत्र में लेकर बहुत खुशी का माहौल है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सांसद गजेंद्र जी शेखावत जी, जो जोधपुर के प्रिय गज्जू बना है, जो इन्होंने तीसरी बार कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और संस्कृति और पर्यटक मंत्री बने, हमें बहुत बहुत गर्व है कि आज हमारे जोधपुर की शान बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है आप, युवाओं लोगों के लिए पर्यटन के क्षेत्र में रास्ते खुलेंगे, रोजगार मिलेंगे नए नए युवाओं को? बिल्कुल जी, पूरे जोधपुर वासियों में खुशी की लहर है कि हमारे जोधपुर के लाडले सांसद को तीसरी बार मंत्री बनाया है और पर्यटन विभाग दिया है। राजस्थान में पर्यटन को बहुत आगे बढ़ावा मिलेगा और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान में कितने टूरिज्म सिटी है, जैसे उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, काफी देश विदेश से लोग यहाँ पे शादियां करवाने आते हैं। हमारा उम्मेद पैलेस है, मंडोर गार्डन है, जैसलमेर है, तो काफी लोग यहाँ पे आते हैं और काफी लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और राजस्थान सुबह भी ये लोगों की प्रतिक्रिया है और आप देखिए लोगों में कितना उत्साह है कि रात को 9:15 बजे भी अपनी बात कहने के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। जिस तरह से एनडीटीवी के माध्यम से वो बता रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है, उसका लाभ क्या मिलेगा, भले ही नंबर की जो बात की जा रही हो, पहले जल शक्ति मंत्रालय बड़ा था या ये छोटा होगा, मंत्रालय कोई छोटा नहीं होता, कैबिनेट में जब आप उनकी टीम में शामिल हो तो बहुत बड़ा टास्क होता है जिसको पूरा करने के लिए ही जिम्मेवारी सौंपी जाती है। और यही कारण है कि गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन को लेकर मजबूत कर सकेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा थी और यही कारण है कि उन्हें जो है पर्यटन कला मंत्री बनाया गया। और इससे उम्मीद भी यही है कि राजस्थान में पर्यटन को एक नई उड़ान मिल सकेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुदित कौर भी लगातार बने हुए हैं। मुदित का जरा रुक कर लेते हैं। मुदित, जरा एक चीज बताइए कि जिस तरीके से चीजें अभी तक नजर आई हैं, आप राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की अगर तस्वीरों को देखें तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं, अनाउंस होने के बाद क्या इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है, लोगों को उम्मीदें ज्यादा है? जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात की जाए, अलवर लोकसभा क्षेत्र से इस बार भूपेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के दौरान ही ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं और उसी के तहत ही लोगों ने इस बार उनको जन समर्थन दिया है और यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा है और मोदी कैबिनेट की इस कमेटी में उनको शामिल किया गया और उसके बाद वही मंत्रालय उनको दिया गया जो अलवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सरिस्का क्षेत्र, यहाँ से बाघ परियोजना, जो सरिस्का बाघ परियोजना है वो काफी महत्वपूर्ण है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उनको दिया गया है। और सबसे अहम बात कि राजस्थान सरकार में जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं वो भी संजय शर्मा अलवर से ही है। अलवर विधानसभा सीट जहां से सबसे ज्यादा वोटों से भूपेंद्र यादव जीते हैं, वो सीट से भी संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय यहां पर देख रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का जो कार्य है वो लगातार संजय शर्मा यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अभी भूपेंद्र यादव को भी यहाँ से जोड़ दिया है। तो जो टाइगर रिजर्व की जो स्थिति है, पर्यटन को बढ़ावा देने की जो स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं चार चांद लगने की बात अब सामने आ रही है कि जो लोगों में उत्साह है कि चार चांद इसमें लग जाएंगे, क्योंकि सरिस्का से जुड़े सभी मामलों को लेकर के प्रदेश स्तर के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी परमिशन की जरूरत जो होती है उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल मिनिस्टर का हाथ कहीं ना कहीं अहम रहेगा। सेंट्रल मिनिस्टर की जो भूमिका रहेगी वो कहीं ना कहीं अहम रहेगी। चले वायु पर्यावरण जो मंत्रालय उनके पास पूर्व में था और वो भी अभी इन्होंने रिपीट किया है, उसको लेकर के भी माना जा रहा है कि भिवाड़ी क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्रों से जो अलवर जिला पड़ा हुआ है, उस औद्योगिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं लाभ मिलने की आवश्यकता है। ठीक है, और इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण भी है। सुशांत पारीख भी हमारे साथ हैं। सुशांत, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर भी कि देखिए पोर्टफोलियो जो दिए गए हैं वो बड़ा सोच समझ करके दिए गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको लग रहा है कि किस मंत्री के लिए है? बघेरा चौधरी के लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल है क्योंकि किसानों को साधना, उनसे बातचीत करना,
हालांकि उनका अभी बयान भी सामने आया था, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि नए तरीके की बातचीत होगी और समाधान किसानों के साथ जो बातचीत के जरिए है वो हो सकेगा। देखिए शुभेंदु, अगर पीएम मोदी के साथ काम करना है तो हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक चुनौती होता है, क्योंकि लगातार और नियमित तौर पर मॉनिटरिंग होती है पीएमओ के स्तर पर, और जो टास्क दिया जाता है, जैसे कि अभी शपथ लेने से पहले ही 100 दिन का एक तरीके से रोडमैप बना लिया गया है, तो काम वहां से दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, और इसकी सारी प्लानिंग हो चुकी है। पहले सभी से सुझाव ले लिए गए थे और 100 दिन का प्लान जो है उसके हिसाब से बन गया है। लेकिन अगर आप देखें राजस्थान के लिहाज से ये चारों नाम महत्वपूर्ण क्यों हैं, मैं बात कर रहा था कि तो सभी, आप पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस ने इस बार अलवर को छोड़ दें तो क्लीन स्वीप कर दिया है, वहां पर अलवर से ही केवल भूपेंद्र यादव जीत कर आए थे, बाकी सारी सीटें जो है कांग्रेस के खाते में है। उस पूरे बेल्ट को साधने की कोशिश है और मैसेज ये दिया गया है कि भले ही जो गुर्जर मीणा जाति है, एससी एससी वर्ग है, वो भले ही इस बार भाजपा के साथ नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद इस बेल्ट से मंत्री बनाया गया है। बीकानेर पूरे संभाग को साधने की कोशिश, उसको शेखावाटी तक आप ले जा सकते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश है। जोधपुर पिछली बार थे, रिपीट करना था, गजेंद्र सिंह शेखावत जनरल कास्ट से एक नाम लेना था, उनको जरूरी था, और जाट जाति, इस बार राजपूत और जाट दोनों जो है वो छिटके हैं थोड़ा सा, जो कहें अलग अलग सीटों के समीकरणों के लिहाज से 5 सांसद जाट जीत कराए हैं कांग्रेस के लिए, तो एक मैसेज वो भी देना था कि एक जाट नेता बनाया जाए। वो दुष्यंत सिंह भी हो सकते थे हाड़ोती से, और जो अजमेर से भागीरथ चौधरी है, भागीरथ चौधरी को संभवतः इस तरीके से कि हो सकता है दुष्यंत सिंह के लिए कोई और दूसरा प्लान उनके पास हो। लेकिन हाड़ोती से एक नाम ओम बिड़ला का भी शुभेंदु चर्चाओं में था कि उनकी भूमिका क्या होगी। तो आप ये देखिए कि ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं भाजपा में इस बार, उनको फिर से उसी भूमिका में हम देख पा रहे हैं, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, वो सारे रिपीट हुए हैं। तो क्या सवाल अब ये भी चल पड़ा है राजस्थान की सियासत में कि क्या लोकसभा के तौर पर हम फिर से बतौर स्पीकर ओम बिड़ला को देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी देश में ऐसा हुआ है कि स्पीकर रिपीट हुए हों, और मोदी बड़ा भरोसा करते हैं, गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो विश्वास आदमी चाहिए, लेकिन ये सियासत में इस तरह की चर्चाएं हैं, डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी उनका नाम जो है चर्चाओं में है। लेकिन राजस्थान में अभी नजदीकी को चुनाव नहीं है, आप ये देखिए, उसके बावजूद एक लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स के हिसाब से, यानी 6 महीने बाद जब उपचुनाव हो या पंचायत और निकाय के चुनाव हो, ठीक है, तो वहां पर इसका असर कितना इसका असर पड़ता है, क्योंकि कास्ट फैक्टर को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है और उसका कितना असर पड़ता है ये देखना है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पर्यटन विशेषज्ञ संजय कौशिक जी हमारे साथ हैं। संजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले बात ये कि राजस्थान के लिहाज से, और ये एक बड़ा पोर्टफोलियो राजस्थान के हिस्से में आना, खास करके पर्यटन, तो ये आप इसको राजस्थान के विकास के साथ, राजस्थान के पर्यटन को आगे नई असीम संभावनाओं के तौर पर भी देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान देश और दुनिया में पर्यटन के नाम से अगर देखा जाए हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, और जब कहीं पे भी देश और दुनिया में बात चलती है, अगर भारत की बात चलती है, तो जो टूरिस्ट आता है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा समय गुजारता है। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है कि गजेंद्र सिंह जी को पर्यटन विभाग दिया गया है, और चूंकि दोनों तरफ राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों भाजपा का होगी, और मतलब ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो पर्यटन है, जो पिछले 2-3 साल जो कोरोना का नुकसान हुआ उसके बाद वापस पटरी पर है, लेकिन मुझे लगता है कि अब और गति पकड़ेगा, स्पेशली राजस्थान के लिए एक नया अध्याय या एक नया चैप्टर जो है वो जुड़ सकता है, क्योंकि जैसा राजस्थान में देखा जाता है, राजस्थान का ऑलरेडी टूरिज्म में इतना बड़ा नाम है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि कुछ जैसे कोटा क्षेत्र है, बीकानेर है, बाड़मेर है, कुछ ऐसे लेसर नोन डेस्टिनेशन है, लेसर नोन एरियाज है, जहाँ जिनको बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है, नए सेक्टर्स की। मैं पर्यटन में 40 साल में हूँ, मुझे लगता है कि 10-15 साल से मैं कुछ चीजें सोचता था कि नई चीजें आएंगी, मुझे लगता है। अच्छा, इसमें संजय जी, गजेंद्र सिंह जी के आने से मुझे लगता है कि उसको गति मिलेगी। है क्या क्या नया होने की जरूरत है, ऐसी जैसे आपने नाम के साथ भी बताया कि भाई कोटा के अंदर संभावना है, बीकानेर के अंदर संभावना है, तो क्या होने की और छोटे छोटे स्टेप लेने की जरूरत है यहाँ पर, ताकि उन छोटी छोटी जगहों को डेवलप किया जा सके? मेरे को लगता है कि नए सेक्टर्स के डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो जो अभी आपको पता होगा, मेरे ख्याल से राजस्थान सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट अगर राजस्थान में आते हैं तो सबसे ज्यादा समय राजस्थान में गुजारते हैं,
और राजस्थान में वो एक सर्किट है जो 10-12 स्टेट का वाला 10-12 जगह का, दिल्ली, मंडावा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, पुष्कर, जयपुर, ऐसा करके चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ बूंदी है थोड़ी देर के लिए, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, उधर अपने गुजरात के जो जो बॉर्डर स्टेट मतलब जो जो सिटीज है उनका है, इधर हमको लगता है कि और जो छोटे छोटे मेरे को लगता है रूरल डेवलपमेंट, रूरल टूरिज्म का बहुत जबरदस्त स्कोप है। और स्पेशली मैं बताऊं राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से मेरे को लगता है जयपुर एयरपोर्ट है, उस पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज इतनी नहीं आई, जब से हमसे छोटा केरला स्टेट है वहां ज्यादा इनबाउंड टूरिज्म या डायरेक्ट फ्लाइट आ रही है। तो मुझे लगता है कि जब गजेंद्र सिंह जी जैसे एक जुझारू नेता और एक लोकप्रिय नेता जब राजस्थान का ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि जयपुर के साथ साथ जोधपुर, उदयपुर को या किसी और मतलब स्पेशली जयपुर को अगर अंतर्राष्ट्रीय अराइवल के लिए अगर और अपॉर्चुनिटी मिले और जो एयरलाइंस है उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो, तो मुझे लगता है कि जो जो पर्यटक दिल्ली आकर दिल्ली से सीधा जयपुर या आगरा होता है जयपुर आता है उनको जयपुर आने में मौका ठीक है, यानी कि बेसिक चीजों को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, उसके बाद पर्यटन अपने आप में आगे डेवलप होने की उसमें बहुत हद तक संभावना है, असीम संभावना है। बहुत शुक्रिया संजय जी, आप जुड़े हमारे साथ। अब जरा मैं वापस से चलता हूँ ग्राउंड जीरो पर, लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से इस वक्त मौजूद हैं। अरुण हर्ष का जरा रुक कर लेता हूँ। अरुण, आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं, लोग भी हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि पर्यटन को लेकर के चाहे बीकानेर हो, जोधपुर हो, अलवर हो, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं, कोटा जैसे बताया गया, तो छोटे छोटे अगर कदम उठाए जाएं तो वहां पर बहुत कुछ बदल सकता है। और भी देखिए शुभेंदु, पर्यटन का अगर जो विभाग है ना वो इतना बड़ा विभाग है जिसमें हर आम इंसान, अगर बात की जाए, एक टूरिस्ट अगर आता है तो वो अपने होटल में रुकने से लेके कार टैक्सी से लेके जूता पॉलिश करने वाला, प्रेस करने वाला, तमाम लोगों को रोजगार देता है। ये बहुत बड़ा मंत्रालय, भले ही कहने में ये पर्यटन विभाग लग रहा है, लेकिन वाकई इसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। कुछ महिलाएं वापिस बात करते हैं, क्या लग रहा है, शेखावत जी को बना दिया आपके? बहुत खुश हैं हम इसके बारे में, और राजस्थान वैसे पर्यटन और संस्कृति के बारे में जाना जाता है, और यहाँ से गजेंद्र सिंह जी जीत के गए हैं और उनको ये मंत्रालय मिला है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और उसके अंदर बहुत स्कोप है संस्कृति के अंदर भी और पर्यटन के अंदर भी, तो हम तो बहुत खुश है ये जो मंत्रालय मिला है इसके लिए। क्या लग रहा है आपको जोधपुर का कितना? मुझे तो ये लग रहा है कि राजस्थान की जो संस्कृति है जो पूरी इंडिया के अंदर नहीं, अब पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगी राजस्थान की संस्कृति, और राजस्थान के जोधपुर जो शेखावत जो यहाँ के हैं वो तो अपने लाडले हैं, वो पूरी जोधपुर की नहीं, राजस्थान की संस्कृति को पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक अच्छी पहचान बनाएंगे और एक अच्छी उनको मिलेगा। वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग से जानते हैं शुभेंदु, किस तरह से देखते हैं शेखावत को, पर्यटन मंत्री, कला मंत्री, पश्चिमी राजस्थान में फोक का भंडार भरा हुआ है, संगीत, म्यूजिक, बाड़मेर, जैसलमेर से कई दौरों से लोग निकले कलाकार। हम तो बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत हाँ। तो लोगों का जो रिएक्शन है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं। संगठन के संयोजक है गजेंद्र जी शेखावत, हमारे नागरिकता के बात कर ला एक बार, और लगातार इसी को लेकर के हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारे अलग अलग जगहों पर संवाददाता भी इस वक्त मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं लोगों की प्रतिक्रिया इस पर क्या आ रही है। और जैसे कि मैं वापस से चलता हूँ, जरा सुशांत हमारे साथ है। सुशांत, एक चीज़ और भी है, जैसे कि संजय कौशिक भी जुड़े, पर्यटन को लेकर के तो संभावनाएँ हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी जो चीज़ें हैं राजस्थान के लिहाज से, जैसा किसानों को लेकर के अगर क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ उस मंत्रालय में भागीरथ चौधरी को अटैच किया गया है, तो कोऑर्डिनेशन का काम है भी। और राजस्थान में क्योंकि एक फैक्टर ये भी कहा गया था कि राजस्थान में जो बीजेपी को नुकसान हुआ वो किसानों का आंदोलन भी रहा है, तो उसको कम करने के लिए ये एक अच्छा मौका है, बैलेंस किया जा सके। बिल्कुल शुभेंदु, दोनों डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण, और एक बड़ी बात ये कि इससे पहले राज परिवार की सदस्य चंद्रेश कुमारी भी 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में यही डिपार्टमेंट उनके पास था टूरिज्म, और उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन शायद तब उतना समय नहीं था। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास समय पर्याप्त है और विजनरी है, वो राजस्थान को बारीकी से जानते हैं। अगर टूरिज्म की बात करें शुभेंदु, तो बहुत सारे ऐसे सर्किट हैं जैसा कि अभी कौशिक जी बता रहे थे कि केवल हवा महल, आमेर या फिर जोधपुर का किला या उदयपुर के लिहाज से या जैसलमेर के लिहाज से आप मत समझिए राजस्थान को। राजस्थान में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी जगह है जहां पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण जो टूरिज्म राजस्थान में, हालांकि
कोशिश हुई थी पिछली सरकार में, शायद कोरोना की वजह से उतना काम नहीं हो पाया, तो उस पर अगर फोकस होगा और पर्यटक पर्यटक अगर शुभेंदु राजस्थान आएगा तो फिर नए एयरपोर्ट भी दिखाई देंगे, होटल इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा, रोजगार ये सिर्फ अकेले पर्यटन तक सीमित नहीं है, इसमें रोजगार की भी संभावनाएं हैं और हर एक तबके के लोगों को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। खैर बहुत शुक्रिया, दोनों ही संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बारीक जानकारी दी है। राजस्थान को क्या मिला ये लगातार हमने आपको दिखाया है, कैबिनेट के अंदर किस किस को मंत्री बनाया गया ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन पोर्टफोलियो किसको क्या मिला और उसका असर राजस्थान के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये भी हमने आप तक ये बातें पहुंचाई हैं।